जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूं। आज के युग में कौन नहीं है जो अपने लुक को, अपने आप को, अपनी फिगर को सुंदर नहीं देखना चाहता, सुंदर नहीं बनाना चाहता। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध नहीं हो जाता है, प्रभावित नहीं होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि अपनी सुंदरता को, विशेष रूप से नवयुवक नवयुवतियों के लिए यह, या स्त्रियों के लिए यह विषय है जिसे हमने बहुत ही खोजबीन के पश्चात, अनुभवों को खगालने के पश्चात, गहन अध्ययन के पश्चात आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब भी हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, युवक को देखते हैं, युवती को देखते हैं, या बच्चे को देखते हैं, या कई बार बुजुर्गों को भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते हैं और अनायास उसका खूबसूरत होना हमें उसकी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से हमारा मन करता है कि जब तक हम उसे देख सकें देखते ही रहे। तो कैसे बनाएं हम अपने आप को सुंदर? क्या ये सौंदर्य प्रसाधन, ये ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम अपने चेहरे पर थोप के अपने आप को आने वाले समय में भयंकर दिखाना चाहते हैं? मेकअप के द्वारा अपने आप को सुंदर बनाकर हम अपने आप को सुंदर कहलवाना चाहते हैं? नहीं, सुंदरता तो नरगैसिक है। उस नरगैसिक सुंदरता का जो मनभावन अपीयरेंस है उसको देखकर कितना भी तनाव युक्त इंसान हो उसके चेहरे पर भी अनायास प्रसन्नता आ जाती है। कौन सी ऐसी एक्टर एक्ट्रेस है जो अपनी सुंदरता के बल पर इस दुनिया में राज नहीं कर रही है? चाहे वह उम्र के उस पड़ाव पर ही क्यों ना पहुंच चुकी हो जहां पर प्रौढ़ा अवस्था शुरू हो जाती है, और कुछ लोग तो अपनी प्रौढ़ा अवस्था में भी इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि हमारा मन उनको देखते ही मोहित हो जाता है। तो इस विषय पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं, सुंदरता को कैसे बढ़ाएं, अपनी खूबसूरती को कैसे और अधिक नरगैसिक रूप से बढ़ाएं, इस विषय पर मैं तीन पार्ट में तीन अलग अलग एपिसोड बनाने जा रहा हूं। आज का मेरा यह पहला एपिसोड है। इसे देखने के बाद आप अपनी राय मुझे अवश्य दीजिएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को, यानी गुरु रजनीश ऋषि जी के नाम से जो यह चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वह तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात इस बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो, चाहे वह मेरा वीडियो हो, चाहे स्वामी राजऋषि का राशिफल का वीडियो हो, दैनिक राशिफल का, आज के सितारे आज का राशिफल का वीडियो हो,
या फिर गुरु मार्गमणि के विभिन्न टॉपिक पर आने वाली वीडियोस हो, उन सब की जानकारी आपको स्वतः ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको बेल आइकन को दबाना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे खूबसूरती की, आपकी खूबसूरत एपीरेंस की, जिसके लिए आज खूबसूरती पाने के दीवाने कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वह सुअर की चर्बी से बनी लिपस्टिक ही क्यों ना हो, चाहे वह ब्लीचिंग पाउडर से अपने चेहरे को ब्लीच करके अपने अनचाहे बालों को छुपाने का प्रयास ही क्यों ना हो। प्रिय भक्तगणों, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में उपलब्ध केमिकल्स हमारी सुंदरता को बढ़ाते नहीं, नष्ट करते हैं। ये केमिकल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही घातक होते हैं, जिनका दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में कुछ समय पश्चात दिखाई पड़ता है। तब आप पछताते हैं, हे भगवान, मैंने क्यों इन केमिकलों का, क्यों इन सौंदर्य प्रसाधनों का, ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जो हानिकारक केमिकल से युक्त थे, जिन्होंने मेरी सुंदर त्वचा को बेजान और रूखा बना दिया है, और आज मेरा चेहरा कितना डरावना और भयावह लगने लगा है। तो ही भक्तगणों, जो भी व्यक्ति, चाहे वह युवक हो, युवती हो, तरुण अवस्था की स्त्री हो या प्रौढ़ अवस्था में जा रही स्त्री हो, हम अपनी नरगैसिक सुंदरता को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, इस सब का निर्धारण में आप और सौंदर्य प्रसाधन बढ़ाने वाली कंपनियां नहीं करती हैं। हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपनी घनघोर तपस्या के माध्यम से उन ग्रहों की पहचान की जो हमें अद्भुत सुंदरता प्रदान करते हैं, नेचुरल सुंदरता प्रदान करते हैं। उन ग्रहों की पहचान की, उनसे संबंधित उनके पसंदीदा अवयवों की पहचान की, उन एलिमेंट्स की पहचान की, जिसकी वजह से नरगैसिक रूप से एक इंसान को सुंदर बनाया जा सकता है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से आज के हालात पर कुछ ऐसी चर्चा करना चाहूंगा जो मन को बहुत दुखी कर रही है। कुछ अभी मेरे पास एक लेडीज रोहिणी साइड से आई, वो किसी संस्थान में काम करती हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के किसी संस्थान में कार्य करती हैं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क स्थापित किया, उनकी कुछ समस्या थी, उनके घर में कुछ पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद हो गए हैं, उन संबंधों को पुनः बनाने के लिए, पुनः एक उच्च लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझसे संपर्क स्थापित किया। और उस संपर्क के दौरान जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, वह मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है, मगर उस जानकारी को मैं केवल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि आज समाज में हम किस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जाकर, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ये घटना जो अभी पिछले 15-20 दिन पुरानी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस महिला ने, जिनकी उम्र रफली 35-36 साल है, अपने पति से पुनः अच्छे संबंध बनाने के लिए विभिन्न लोगों से नेट पर ढूंढकर, यूट्यूब पर ढूंढकर संपर्क स्थापित किया। यह तीन चार अलग अलग लोग थे। एक एक करके इस महिला ने पहले व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया, उसने उस महिला को बेवकूफ बनाकर 3-4 किस्तों में
70,000-80,000 रुपए ले लिए। दूसरे व्यक्ति ने उससे एक नामुराद डिमांड की 50,000-60,000 रुपए ठगने के पश्चात कि तुम अपने बिना कपड़ों के फोटो को मेरे को भेज दो तो मैं उसे एक तंत्र प्रयोग करूंगा जिससे तुम्हारा पति शीघ्रता से शीघ्र वापस मिल जाएगा। उस महिला ने अपना बिना कपड़ों का फोटो, न्यूड फोटो, उस सज्जन को, उस व्यक्ति को, उस दुर्जन को, उस ढोंगी को, उस पाखंडी को भेजा। उस पाखंडी ने पुनः पूजा पाठ के नाम पर 25,000-30,000 रुपए की डिमांड की, वो भी उस महिला ने पूरी कर दी। उसके पश्चात उस व्यक्ति ने उस महिला का फोन उठाना बंद कर दिया। तब उस महिला ने तीसरी जगह संपर्क स्थापित किया। उस व्यक्ति ने भी 1.5-2 लाख रुपए लेकर वही प्रक्रिया दोहराई कि उसका न्यूड फोटो डिमांड किया और फिर संपर्क विच्छेद कर दिया। 2 साल तक दसियों जगह धक्के खाने के पश्चात वह महिला मेरे पास आई। उन्होंने अपना दुखड़ा मुझे सुनाया और बताया कि इस 2 साल के अंदर अंदर वो इन दुष्ट ढोंगी और पाखंडियों को पूजा और पाठ के नाम पर, इबादत के नाम पर, क्योंकि ये अलग अलग धर्म के से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें 6 लाख रुपए दे चुकी हैं। और किसी भी व्यक्ति से उनको अभी तक किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचा। उसके बावजूद एक आखिरी प्रयास के रूप में उन्होंने हमसे संपर्क स्थापित किया और हमने उन्हें वैदिक रूप से कुछ उपाय बताए हैं करने के लिए। अभी 4-5 दिन पहले उन्हें कुछ वैदिक उपाय दिए हैं कि आप ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपका बेटा और आपका पति आपके नजदीक आएंगे और आप अपने घर में पुनः उनके बीच में स्थापित होंगी। वह वैदिक उपाय कुछ अंगूठियों से संबंधित हैं, उसमें कुछ सेमी प्रीसियस जेम रिंग्स उनको दी गई हैं हमारे द्वारा, जो उनके पति और पुत्र से संबंधित जेम रिंग्स हैं जिन्हें हमने मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा और जागृत कराकर उनको धारण कराया है एक छोटी सी शुल्क के अंगेंस्ट में। तो मेरा यहां पर यह घटना सुनाने का तात्पर्य आप सभी लोगों को सिर्फ इतना सा है कि धर्म के नाम पर दुष्ट और पाखंडी लोग हम सबका शोषण कर रहे हैं, हम सबको लूट रहे हैं। आप आंखें मत बंद करिए, अपनी आंखों को खुला रखिए। आपके आसपास में आपका कोई रिश्तेदार, आपके घर का कोई व्यक्ति, आपके अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति, आपका कोई मित्र भी इन किसी ढोंगी पाखंडी लोगों का शिकार हो जरूर हो रहा होगा, जो उसे आपके या आपके उस परिवार से संबंधित मुखिया की गाड़ी मेहनत की कमाई, लाखों रुपयों की गाड़ी मेहनत की कमाई उस ढोंगी और पाखंडी को पहुंचा रहा हो। हमने तो उस महिला को अपनी तरफ से सलाह दी है और इससे पहले भी जिस महिला को सलाह दी थी उसके पैसे वापस आने शुरू हो गए हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियोस में किया था। उस महिला की पहली 2 किस्तें उन दुष्ट ढोंगी पाखंडियों से हमने निकलवा कि उन हमारे द्वारा बताए गए सुझाव पर उस महिला ने वापस प्राप्त करनी शुरू कर दी है। और इस महिला को भी हमने ऐसा ही कोई सुझाव दिया है कि किस प्रकार वो अपने पैसों को उन दुष्ट ढोंगी और पाखंडियों से, जिन्होंने सिर्फ पूजा पाठ के नाम पर मुझसे 6 लाख रुपए छीन लिए हैं, कैसे वापस प्राप्त कर सकती है। यहां जो सबसे मजेदार जो प्रकरण है, पैसे के अलावा एक और प्रकरण है जो अब हम अपनी दूरदृष्टि से देख रहे हैं या आप जैसे बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के दौरान हमें ज्ञात समझ में आ रहा है कि वो न्यूड फोटो जो मांगते हैं, जो बिना कपड़ों की फोटो उन स्त्रियों से, लड़कियों से वो ले रहे हैं, वो दुष्ट और ढोंगी लोग, तो उसका क्या उपयोग हो सकता है।
अब शायद हम सही समझ पा रहे हैं, शायद वो कहीं इन लोगों को ब्लैकमेल करने में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आज तो उन्होंने उनसे जो वो ठग चुके हैं वो ठग लिया, कल को वो उसके मोबाइल नंबर पर दोबारा फोन करके थोड़े समय पश्चात फिर बोलेंगे कि अब देखते रहे हमारे पास ना ये फोटो है, तेरे पति का नंबर है, हम तेरे पति को ये फोटो भेज देंगे, नहीं तो हमें इतने पैसे दे। शायद ऐसा वो इसी वजह से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग अपने आसपास में घट रही ये लूट खसोट की घटनाओं से चौकन्ने हों, ताकि आप सही समय पर अपने सही रिश्तेदार की, घर के व्यक्ति की, अड़ोसी पड़ोसी की या मित्र की मदद कर सकें। सिर्फ पूजा के नाम पर पैसे लेने वाला कोई ढोंगी पाखंडी जो किस्तों में बार बार पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसका कोई एड्रेस नहीं पता उस लेडी को, केवल एक मोबाइल नंबर है, ऐसे लोगों को ये महिलाएं अपनी और आपकी मेहनत की कमाई को लुटा रही हैं। बड़ा अफसोस होता है एक पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ी लिखी युवती अगर ऐसा कार्य करती है तो निसंदेह यह बहुत दुख की बात है हमारे समाज में, और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और उन ढोंगी और पाखंडियों को आगाह करते हैं कि पूजा पाठ के नाम पर लूट मचा रहे हो। अरे हमसे भी सबक ले लो। अरे हम मात्र 300 रुपए की फीस लेते हैं जो हमसे मिलने आते हैं, हमारे भगवान जी के दर्शन करते हैं शनि भगवान के, उस 300 रुपए को या वीडियो कॉल पर जो बात करते हैं हमसे, उनसे 600 रुपए लेते हैं जिसके हम उनके लिए पूजा करते हैं, चाहे कहें या ना कहें हम निश्चित रूप से नित्य पति उन सभी लोगों के लिए पूजा करते हैं जिन्होंने एक बार भी हमें एक रुपया भी किसी भी प्रायोजन से दिया है, उन सब की मंगल कामना के लिए, उन सबके सुख शांति सौभाग्य के लिए हम निरंतर भगवान श्री विष्णु से, मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। कहां ले जाओगे ये पाप, कहां ले जाओगे दुष्टो? अरे उस 300 रुपए को और जो 600 रुपए को जो हम लेते हैं जिसके हम इसमें आपकी पूजा भी करते हैं और आपकी परेशानियों को मुफ्त में बताते हैं उपाय, उस पैसे को भी हम अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हर एक लड़की को जो हमारे पास कंप्यूटर सीखने के लिए आती है, जो हम 5 लाख रुपए वाला कोर्स बिना 1 रुपये फीस के उसको सिखा रहे हैं पिछले 10 सालों से, उन लड़कियों को हर समय सिखाते हैं, गुरु माँ के माध्यम से सिखाते हैं, अपने द्वारा सिखाते हैं, उन लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के काम आती है, उन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की व्यवस्था करने के काम आती है, उनके कंप्यूटर खरीदने के काम आती है, उनको चाय नाश्ता कराने के काम आती है, भगवान का यज्ञ पूजन हवन प्रसाद वितरण करने के काम में आती है, मुफ्त शनि रिंग जो यहां से वितरित की जाती है, शनि भगवान के लॉकेट इत्यादि के ऊपर वो पैसा खर्च किया जाता है, या यहां से हम विभिन्न जो जन्म कुंडली की किताब है या लाल किताब है या साधना के ऊपर किताब है या टोट गुरु जी के टोटके के नाम से जो किताब है, उन सब किताबों को भी उस सब के जिसमें जो ये लोग यहाँ आते हैं उनको मुफ्त में वो 110 रुपये वाली किताब उसी 300 रुपये में से भी देते हैं हर एक व्यक्ति को, जब हमारे पास किताब अवेलेबल होती है। नित्य अब लोग ले जा रहे हैं, उसके लिए हम कभी किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करते। तो तुम जो लोगों को लाख लाख, दो दो चार चार लाख रुपए ठग रहे हो, कौन से नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो दुष्टो? ये तो सोच लो। अरे हमारे पास तो उसके बावजूद भी इतनी बरकत है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। अरे भगवान को सीधा प्रसन्न कर लो, तुम क्या किसी के लिए पूजा करोगे? तुम अपने अपने परिवार के लिए पूजा करके उसका उद्धार कर लो, क्यों लूट रहे हो मजबूर लोगों को, परेशान लोगों को? भगवान अल्लाह ताला परवरदिगार
तुम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा। हिंदुओं में तो ठग और मजबूर लोगों को ठगने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती और नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तुम उन लोगों को लूट रहे हो। अरे मुसलमानों में तो ब्याज लेना भी हराम है, तुम तो लूट रहे हो मुसलमानों के। साथ ही भगवान तुम सब लोगों को, अल्लाह ताला तुम सब लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही बड़े अफसोस के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ आप में से कुछ व्यक्तियों ने बहुत प्यारे से कमेंट किए हैं। एक नवयुवती है जिसने शायद हमसे कोई रेमेडी के लिए अपनी जन्म कुंडली देखने के लिए निवेदन किया होगा और हमने उसे उपाय बताए होंगे कि तुम्हें ये ग्रह खराब है तो इस ग्रह की अंगूठियां पहनो। तो वो देवी जी यूट्यूब पर हमें कमेंट्स कर रही हैं, अरे अरे ये तो बड़े बहुत लूट मचा रखी है, तो नग बता रहे हैं हमको पहनने के लिए, अंगूठियां बताई है उन्होंने तो चार चार। अरे देवी जी आप हमको थोड़ी अंगूठियां दे रही हैं, हमने ये थोड़ी कहा है आप हमसे अंगूठियां ले लो, या हमने कोई अंगूठी की दुकान थोड़ी खोल रखी है, यहां पर आभूषणों का थोड़ी अंगूठियां बनाने का काम थोड़ी होता है, आप कहीं से भी लेके पहन लो मत पहनो। आपने अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमसे अनुरोध किया, हमने बता दिया ये ग्रह खराब है, इस ग्रह को ठीक करने के लिए अगर आप ये अंगूठियां पहन लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, अगर इसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर पहनेंगे तो फायदा होगा। अब इसमें परेशानी किस बात की, आप पहनिए मत पहनिए, खरीदिए मत खरीदिए, लीजिए मत लीजिए, हमारा क्या जाता है भाई। अरे हमको परेशानी है, हम एक एक टुकड़ो छोड़ दीजिए, हम तो चार अंगूठियां इस हाथ में हैं, दो अंगूठियां इस हाथ में हैं, पांच जेम्स इस हाथ में पहने हुए, मौज कर रहे हैं, भगवान की पूरी मौज ले रहे हैं, पूरा आशीर्वाद है भगवान का, कोई कमी नहीं है, भगवान ने कहीं से रत्ती भर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हमें चार रोटी खाने की जरूरत है तो भगवान ने आठ रोटी का प्रबंध पहले से हमारे लिए कर रखा है कि बेटा तू शाम की भी चिंता मत कर, तू अगले दिन की भी चिंता मत कर, तेरे पास पहले से ही भंडार भरते रहे। या आपकी अपनी इच्छा है, हमारे पास 133 देशों के देशी विदेशी लोग स्वयं चलकर आते हैं, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रद्धा और विश्वास से हमारे पास आएगा तो मैं समझता हूं कि 100 में से 98-99 लोग हमारे से फायदा प्राप्त करते हैं। अगर नहीं फायदा प्राप्त करते हैं तो आप हमें बताइए, यूट्यूब में आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप कमेंट्स करिए कि हमको फायदा नहीं मिला है, हम गए थे हमने ये लिया था इनसे और हमें फायदा नहीं मिला, हम भी तो पता चले कि कितने लोगों को फायदा नहीं मिला। हमारे पास तो शायद, मैं नहीं समझता 10,000 में से कोई 10 लोग भी आए हो जिन्होंने आके बोला हो कि हमें फायदा आपसे नहीं हुआ है गुरु जी, आपने ये उपाय बताया था, इस उपाय को हमने किया और इससे हमें फायदा नहीं हुआ है। तो 10,000 में से भी 10 व्यक्ति भी हमारे पास ऐसे नहीं है जिन्होंने आके हमें बोला हो, अगर हमने 10,000 लोगों को देखा तो इससे बेटर किस चीज का हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अरे डॉक्टर भी आप ऑपरेशन कराएंगे गारंटी नहीं देता, पहले से ही लिखवा लेता जिंदा रहोगे या मर जाओगे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए पहले ही आपको पर्चे पर साइन करा लेते हैं ऑपरेशन से पहले कि जिंदा रहोगे या मर जाओगे, और वही डॉक्टर जब हमारे पास आते हैं तो हमसे गारंटी मांगते हैं, गुरु जी गारंटी दो। अभी जबलपुर से किसी डॉक्टर ने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में हमसे संपर्क स्थापित किया है, अभी कल परसों भी कोई MBBS MD महिला डॉक्टर आई थी जो बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, वो हम अभी हमारे पास 2-3 दिन पहले ही हमारे पास होके आई और बहुत लंबी चर्चा हुई उनके साथ और बहुत ही खुश होकर गई हैं, उन्हें बहुत अभूतपूर्व अनुभव हुए हमसे चर्चा के दौरान। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप हमारे पास किसी भी परेशानी के लिए आते हैं तो परमपिता परमात्मा साक्षी हैं, यहां पर भगवान शनिदेव हमारे साथ हमसे मात्र 2-3 फीट की दूरी पर विराजमान है जहां ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनको सामने रखे
शायद झूठ बोलने की क्षमता हम में तो नहीं, आप में होगी तो होगी, तो हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे मगर झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी कह रहे हैं हमने सत्य कहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे सुंदरता के देवता की। सुंदरता के जो दूसरे देवता हैं वह हैं बुद्ध देवता, युवराज, प्रिंस, जिनको राजकुमार कहा जाता है, अद्भुत सुंदरता के मालिक हैं। पहचान बताओ इन लोगों की। अरे सबसे मोहक स्माइल जो किसी की होती है तो बुद्ध देवता वाले व्यक्तियों की होती है, स्पेशली मिथुन लगन वाले लोगों की जो मुस्कुराहट होती है वो दिल को प्रसन्न कर देने वाली होती है। उस स्वरूप का वर्णन भगवान के स्वरूप से मिलता जुलता होता है। कितनी सुंदर मुस्कुराहट होती है उनकी, जब वो शरारत भी करते हैं तो उनकी आंखों की सुंदरता और उनकी मुस्कुराहट असीम सुख देने वाली होती है। ऐसे होते हैं बुद्ध देवता की सुंदरता से प्रभावित लोग। तो हम चर्चा कर रहे थे बुद्ध देवता की इस सुंदरता से आज आप सब युवक युवतियां, किशोर स्त्रियां और प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे हुए स्त्री और पुरुष कैसे उस सुंदरता को अपने से जोड़कर उससे लाभ उठा सकते हैं, कैसे बुद्ध देवता की सुंदरता का समावेश अपने अंदर कर सकते हैं, इस बात की चर्चा करने के लिए आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे बुद्ध देवता के बारे में, बुद्ध देवता अद्भुत सुंदरता के स्वामी हैं, उनका रूप लावण्य और उनका मनमोहक स्वरूप जो है, चाहे वह मिथुन राशि का हो, लगन का हो, चाहे कन्या लगन या कन्या राशि का हो, तो बहुत ही मन भावन होता है। विश्व में जो सबसे सुंदर स्त्रियां जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, चाहे वर्ल्ड फेम का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो या मिस ग्लोब हो या कोई और सौंदर्य की देवी हो, सुंदरता की इस परेड में जो सबसे ज्यादा युवक युवतियां जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं वह अधिकतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति होते हैं। बुद्ध से संबंधित व्यक्ति बुद्धिशाली होने के साथ साथ, सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिवान होते हैं। उत्तम कोटि की बुद्धि होती है उनके पास, क्योंकि बुद्ध देवता बुद्धि के स्वामी हैं। तो बुद्धि और सुंदरता का जो यह मिलन है वह अद्भुत है। इतनी सुंदर युवक और युवतियां होती हैं जिनका जो संपूर्ण रूप से बुद्ध उनकी जन्म कुंडली में जब अच्छा होता है तो उनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो युवक हो, युवती हो, किशोर हो, शिशु हो या प्रौढ़ अवस्था के लोग हो, उनकी सुंदरता मन मोहने वाली होती है, अपना दीवाना बना देने वाली होती है। बस मन करता है किसी तरीके से एक बार इनको छू के देखे। हे भगवान, आपने इतनी सुंदरता इनको दी है, इसका एक अंश भी तो हमें दे दो तो हमारी तो वल्ले वल्ले हो जाएगी। तो इस सुंदरता को कैसे प्राप्त करें, इस सुंदरता एक अंश हमें कैसे प्राप्त हो ताकि हम अपने स्वरूप में, अपने लुक में बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के दिन दूनी रात चौनी वृद्धि प्राप्त करते रहें। तो बुद्ध देवता का जो खूबसूरती है उन्होंने अपने अलावा जो प्रदान की है वह पन्ने को प्रदान की है। पन्ना बुद्ध देवता का बहुत ही प्रिय रतन है। इस प्रिय रतन का एक 6-7 कैरेट के पन्ने के प्रिय पन्ना जो है उसका चांदी में एक लॉकेट बनवाएं। उस लॉकेट को अगर आप सुबह स्नान के दौरान उस लॉकेट को जल से भरी हुई बाल्टी में सबसे पहले दिन अपनी अंगूठी और तर्जनी, मध्यमा और
अनामिका उंगली के बीच में पकड़कर बुद्ध देवता के प्रिय मंत्र तांत्रिक बीज मंत्र का 11 बार स्मरण करें, जाप करें 11 बार उस पानी की बाल्टी के अंदर ही हाथ रखकर। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ऐसा करके उस लॉकेट को बाल्टी में ही छोड़ दें। तत्पश्चात जल की 3 अंजलि लेकर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय बोलकर अपने मुंह पर छपका मारे पानी का 3 बार। तत्पश्चात उस पानी की बाल्टी से आप स्नान करें। स्नान के उपरांत उस जो पन्ने का जो लॉकेट है, उस लॉकेट को आप एक बोतल के अंदर रखकर, प्लास्टिक हो शीशे की बोतल हो बड़े मुंह वाली, उसके अंदर रखकर पानी से भरकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां धूप की रोशनी आती हो। अगले दिन पुनः बाल्टी उस जल को पानी की बाल्टी में मिलाकर उस जल से पुनः छपके मारें और उस शेष जल से स्नान करें बाल्टी में डालकर। नित्य प्रति ऐसा करने से धीमे धीमे बुद्ध भगवान की जो खूबसूरती है, उनका जो व्यक्तित्व है, धीमे धीमे उसकी सुंदरता आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। यह नैसर्गिक सुंदरता कि कुछ अंश धीमे धीमे करके आपके अंदर समाते चले जाए। ऐसा प्रयोग निरंतर करते रहें, कोशिश करें जो भी पन्ने का लॉकेट हो वह पूरी तरीके से किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया हुआ। ऐसा होने से जो आपकी सुंदरता है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो। तो ऐसा प्रयोग आप निरंतर करते रहें। बुद्ध देव की अनुपम सुंदरता जो साथ ही यह प्रेरणा देती है, कभी ना बूढ़ा होना है, कि ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापा बहुत देर से आता है। बुद्ध देवता से संबंधित व्यक्तियों को, जो मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या लगन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनको बुढ़ापा थोड़ा देर से आता है और लोगों की कंपेटिवली। तो आप इस नैसर्गिक सुंदरता को घर बैठे प्राप्त करें, निश्चित रूप से आपकी सुंदरता में अवश्य ही इजाफा होगा। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, या उनके एग्जाम्स में कम नंबर आते हैं, या बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, या खुद की जॉब नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, पैसे से संबंधित परेशानी हो रही है, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित कोई समस्या है, या शादी नहीं हो पा रही है, शादी बहुत लेट हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या अपना मकान नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो एक बार हमसे आके आप मिलिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी जो पूजा करने की फीस है आपके साथ, और उसी में जो हम फ्री में जन्म कुंडली देखते हैं, वह 300 रुपए से आगे ना बढ़े, जब तक कि हमें अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को या अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, तब तक ये पैसा हमारे लिए बहुत सफिशियंट है। और वो सभी सज्जन जो हमसे बार बार शिकायत कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या कि आपका फोन नंबर नहीं मिलता, उसके लिए हम मजबूर हैं कि हमने 4-4, 5-5 फोन नंबर दे रखे हैं। अब इतने सारे लोग फोन करते हैं कि रात को 8 बजे के बाद भी सुबह तक एक एक फोन पर 150-200 मिस कॉल्स होती हैं। तो हमारे पास, हम 5 नंबर हमने रखे हुए हैं, 5 नंबर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप 5 नंबरों पर, किसी भी नंबर पर फोन करके आप हमसे, जो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उनसे, पेटीएम नंबर आ रहा है उस पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आप लोगों की मदद के लिए उपलब्ध हैं। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। जय शनिदेव।